हेलो एवरीवन, सीटीएच एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के सेकंड चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कांस्टेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे सेकंड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक था कैरेक्टर सेट। यदि आप सभी ने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि कैरेक्टर का यूज पूरे प्रोग्राम में हर जगह कैरेक्टर की बात की जाएगी और वहाँ पर आपको थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। इसलिए ये जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स की हम लोग बात कर रहे हैं किसी भी प्रोग्रामिंग का, तो उसमें जो होता है आपका जैसे हो गया कैरेक्टर, कैरेक्टर सेट, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट, वेरिएबल्स, टोकेंस, डेटा टाइप्स, उसके बाद ऑपरेटर्स। दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी अदर प्रोग्रामिंग। इवन कोई भी प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो ये जो होता है आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है किसी भी प्रोग्रामिंग का, क्योंकि सारे जो कंसेप्ट होते हैं वो इसी पे बेस्ड होते हैं। इन सभी का यूज करके हम लोग कोडिंग करते हैं, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग हो, चाहे सी प्लस प्लस हो, सी हो या जावा हो, बस ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उसके अनुसार अकॉर्डिंग उसका कुछ फंक्शंस जो है ना वो बदल जाते हैं, जिसका काम तो वही होता है, बस नाम उसका बदल जाते हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो है ना सही प्रोग्राम में जो है ना लगभग में सेम रहता है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं किसका, कांस्टेंट का। प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात किए थे किसका, कैरेक्टर सेट का। एक एक करके क्रमवार वीडियो जो हम लोग अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट करते जाएंगे। तो आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे कांस्टेंट के बारे में, हाउ टू डिफाइन कांस्टेंट। कांस्टेंट के बारे में कहा जाता है कि वैसा कोई भी वैल्यू जिसका मान ड्यूरिंग द प्रोग्राम एक्सक्यूशन कभी बदलता नहीं है। प्रोग्राम एक्सक्यूशन के दौरान जिसका मान कभी बदलता नहीं है, चाहे वो प्रोग्राम के अंत में हो, प्रोग्राम के मिड में हो या प्रोग्राम के शुरू में है, तो उसे क्या कहेंगे, कांस्टेंट। ओके, तो कांस्टेंट को डिफाइन कैसे करेंगे। कांस्टेंट को डिफाइन हम लोग कर सकते हैं अ वैल्यू विच इज यूज्ड इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट। अ वैल्यू विच इज यूज इन प्रोग्राम एक्सक्यूशन इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट। वैसा कोई वैल्यू जिसका हम लोग प्रोग्राम के एक्सक्यूशन में यूज कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे, कॉन्स्टेंट। बट एक और पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इट्स वैल्यू कांट बी चेंज्ड ड्यूरिंग द होल प्रोग्राम। इट्स वैल्यू कांट बी चेंज ड्यूरिंग द होल प्रोग्राम। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कांट बी चेंज्ड एंड होल प्रोग्राम। यदि आपको ऑप्शन में आ जाए कि कांट बी चेंज द ड्यूरिंग द प्रोग्राम और कांट बी चेंज ड्यूरिंग द होल प्रोग्राम, तो सबसे जो परफेक्ट आपका आंसर होगा और कांट बी चेंज ड्यूरिंग द होल प्रोग्राम। होल प्रोग्राम में इसका वैल्यू कभी भी बदलता नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, कांस्टेंट कहेंगे। तो कांस्टेंट आपको समझ में आ गया, कांस्टेंट एक ऐसा वैल्यू होता है जिसका हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं और ड्यूरिंग द प्रोग्राम एक्सक्यूशन, होल प्रोग्राम एक्सक्यूशन, दिस वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट। अब कांस्टेंट को जो है ना हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहला हो गया आपका न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड सेकंड हो जाएगा कैरेक्टर कांस्टेंट। तो आइए देखते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होता है और कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है। फर्स्ट हो गया आपका न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड सेकंड कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है, न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। अब देखिए
यहाँ पे आ रहा न्यूमेरिक कांस्टेंट, तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू समझ सकते हैं, 1, 2, 3, 5, 10, 1000 कुछ भी हो सकता है न्यूमेरिक वैल्यू, आप 5.6, 3.4, 0.3, -2.56, दीज आर द न्यूमेरिक वैल्यू। यदि कांस्टेंट की बात करें, कैरेक्टर कांस्टेंट की बात करें, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग कैरेक्टर को ये मान करके पढ़े थे कि कैरेक्टर क्या होता है, कीबोर्ड पे जितने सिंबल अवेलेबल हैं वो सारे क्या हैं, कैरेक्टर हैं। जैसे कि अल्फाबेट्स हो गया, नंबर्स हो गया, आपका स्पेशल सिंबल्स हो गया, दीज आर कॉल्ड कैरेक्टर। तो यहाँ पे आपको ये समझना है, कांस्टेंट तो हम समझ लीजिए, कांस्टेंट का मतलब हो गया कि जिसका वैल्यू प्रोग्राम में कभी बदलता नहीं है। यहाँ भी कांस्टेंट जिसका मान कभी प्रोग्राम में बदलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना है कैरेक्टर कांस्टेंट और न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट जिसका वैल्यू 5, 6, 10, -10, -3 या 0.5, 5.60 कुछ भी हो सकता है, और कैरेक्टर कांस्टेंट जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं जिसमें देखे थे, कोई भी डिजिट्स हो या कोई भी स्पेशल सिंबल्स हो या कोई भी अल्फाबेट्स हो, दीज आर कॉल्ड कैरेक्टर कांस्टेंट। और यहाँ पे कांस्टेंट को दो पार्ट में बांट दिए, न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। अब आपका न्यूमेरिक कांस्टेंट भी दो प्रकार का होता है और कैरेक्टर कांस्टेंट भी दो प्रकार का होता है। देखिए हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट टू टाइप्स का हो गया, फर्स्ट हो गया इंटीजर कांस्टेंट एंड सेकंड हो गया आपका रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट ठीक है ना, इंटीजर कांस्टेंट एंड रियल कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट को अगर दो पार्ट में बांटते हैं तो इसमें आता है सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट ओके, पहले हम लोग देखें कांस्टेंट हुज वैल्यू कैनॉट बी चेंज ड्यूरिंग द होल प्रोग्राम एक्सक्यूशन, पूरे प्रोग्राम के एक्सक्यूशन में कांस्टेंट का वैल्यू कहीं बदलेगा नहीं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट को दो पार्ट में बांट दिए, इंटीजर कांस्टेंट एंड रियल कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट भी दो पार्ट्स में, सिंगल कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग कैरेक्टर। तो सिंगल कैरेक्टर, स्ट्रिंग कैरेक्टर, रियल कैरेक्टर कांस्टेंट और इंटीजर कांस्टेंट को हम लोग को अब आगे डिफाइन करना है। देखिए इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है, इंटीजर कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू कभी भी प्रोग्राम में बदलेगा नहीं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही बताता है। और इंटीजर क्या होता है, इंटीजर में हम लोग देखे हैं कि जो इंटीजर होता है वो होता है माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव तक, और इसके बीच में क्या आता है आपका माइनस इन्फिनिटिव, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 प्लस इन्फिनिटिव, दीज आर द इंटीजर। ये क्या हो गया आपका इंटीजर हो गया। तो ये होता है आपका नेगेटिव इंटीजर यहाँ तक, और ये होता है आपका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया और ये हो गया नेगेटिव इंटीजर। बट जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, बट इट इज ए इंटीजर। जीरो क्या है आपका, जीरो इंटीजर तो है लेकिन ना ही पॉजिटिव इंटीजर है और ना नेगेटिव इंटीजर है। तो ये आपका हो गया इंटीजर या कांस्टेंट। यदि रियल कांस्टेंट की बात करें तो हम लोग पढ़े हुए हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इसको फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहा जाता है। रियल कांस्टेंट को क्या बोल सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट ठीक है ना। और फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब समझते हैं कि वैसा कोई भी वैल्यू जो फ्रैक्शन में हो, पॉइंट में है, उसको क्या बोलेंगे, रियल कांस्टेंट या फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। इसमें जैसे कि इसका एग्जांपल में हम लोग देखते हैं इंटीजर कांस्टेंट का, तो इंटीजर में आपका क्या हो सकता है, जैसे कि 30 हो सकता है, -5 हो सकता है, 5 हो सकता है, फिर है आपको 15 हो सकता है, 0 हो सकता है, +20 हो सकता है, दीज आर द इंटीजर कांस्टेंट। देखिए इसमें जो भी वैल्यू लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, इंटीजर लिखेंगे, और इंटीजर हमें पता है क्या होता है। नेक्स्ट आपका रियल कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट को हम लोग बोला क्या, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो फ्लोटिंग पॉइंट जैसे कि आपको हो गया 3.02, 5.6598, जो भी आपका पॉइंट में वैल्यू आओगे होगा रियल कांस्टेंट या फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा, और इंटीजर कांस्टेंट। नेक्स्ट आपको देखते हैं सिंगल कैरेक्टर, तो कैरेक्टर में हम लोग देख रहे थे सारे सिंबल और सारे नंबर्स क्या होते हैं, हमारा कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर सेट में हम लोग देख चुके हैं। तो सिंगल कैरेक्टर में आपको इसमें एग्जांपल में देखेंगे
तो जैसे कि आपका ए हो गया, बशर्ते कैसा क्या है, ये सिंगल कोट से इनक्लोज होगा, ठीक है ना, सिंगल कोट से, जैसे कि आपका एम हो गया, सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट हो गया, यदि आपके पास फाइव हो गया, सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट हो गया, ये जो है ना आपको कॉमा हो गया, सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट हो गया। अगर हम स्पेस भी ले लेते हैं, सिंगल इसमें जो है ना क्या लें, इसमें क्या लिए, स्पेस लिए, दीज आर ऑल्सो ये सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम टी ले लेते हैं, दीज आर ऑल्सो ये सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, यहाँ पे हम नाइन ले लेते हैं, दीज आर ऑल्सो ये कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, जीरो ले लिए, दीज आर ऑल्सो ये सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। समझ में आ रहा होगा आप सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट किसे कहेंगे। और लास्ट हो गया आपका स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, स्ट्रिंग को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल कैरेक्टर, यानी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। उसमें कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है, जैसे कि सॉरी कोई भी कैरेक्टर्स हो सकता है, लेकिन वो ग्रुप में होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में आपका यहाँ हो गया इंडिया, कंडीशन क्या है, ये सिंगल कोट से बंद होगा और ये डबल कोट से इनक्लोज होगा, डबल कोमा कोट से इनक्लोज होगा। जैसे कि यहाँ पे हो गया फाइव फाइव फाइव, दे आर ऑल्सो ये स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। यहाँ पे हम लिख दिया ऑल फाइव थ्री सिक्स, दे आर ऑल्सो ये स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। यहाँ पे लिख दिया हम यहाँ पे अबाउट एट द रेट, दीज आर ऑल्सो ए स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। तो उम्मीद हो गया है कि आपको जो है कॉन्स्टेंट समझ में, एक बार फिर से बोलते हैं, कॉन्स्टेंट एक वैल्यू होता है जिसका मान प्रोग्राम के होल एक्सिक्यूशन में कहीं बदलता नहीं है। देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट एंड कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट को दो पार्ट में बांट दिए, इंटीजर कॉन्स्टेंट एंड रियल कॉन्स्टेंट, और कैरेक्टर कॉन्स्टेंट को दो पार्ट में बांट दिए, सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट एंड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। तो आपको यहाँ पे इंटीजर कॉन्स्टेंट में जितने भी इंटीजर्स वैल्यू होंगे, और इंटीजर्स क्या होते हैं, निगेटिव पॉजिटिव विथ जीरो, तो इसमें जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है। रियल कॉन्स्टेंट को फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं, और फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट को हम क्या कहेंगे, रियल और कॉन्स्टेंट। सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट सिंगल कोट से इनक्लोज होगा, जबकि स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट डबल कोट से इनक्लोज होगा। तो ये होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रिंग इज ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज विथ डबल कोट, एंड सिंगल कैरेक्टर इज ए कैरेक्टर्स विच इज इनक्लोज विथ सिंगल कोट। तो ये सिंगल कोट से क्लोज होगा और ये डबल कोट से क्लोज होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्स्टेंट जो है ना आपको समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहें।